सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग सही सलामत होंगे एंड मौज मस्ती में होंगे। सो गाइस, आज आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे चैनल पे आया है एकदम जो नया वर्जन का RTR Apache 160 है, वो वाला वर्जन यहाँ पे देख सकते हो। एंड इसका कलर स्कीम है ब्लू कलर, आप लोग देख पा रहे होंगे आगे से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। साथ में ये वाला जो DRL न्यू आ गया है इसके साथ बहुत ज़्यादा बेहतरीन लग रही है ये बाइक। एंड इस बाइक में बहुत सारी चीज़ें वो चेंजेस किया गया जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसके चेंज होने के कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अभी आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा अंदर में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिलता है। तो सबसे पहले भाई, इसका जो सबसे अच्छा लगा चेंजेस वो है इसका मीटर। भाई देखो, पूरा डिजिटल बना दिया एंड क्या लग रही है मीटर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा अगर ये वाला मीटर जो है ना थोड़ा नीचे होता तो बहुत ज़्यादा और भी मतलब बाइक के साथ मैच करता। एंड ये मीटर भी आपको मैं एक बार ऑन करके दिखा दूँ कैसा ओपन होता है। नाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला मीटर। एंड नेक्स्ट जो चेंजेस आया है वो है इसके इंडिकेटर्स, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसका पुराना मॉडल का जो इंडिकेटर रहता था वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता था एंड पीछे का इंडिकेटर तो भाई कुछ दिन चलाने के बाद ऐसे जो है नीचे की तरफ ऐसे आ जाता था, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा मजबूत किया गया है। एंड इसका डिज़ाइन भी थोड़ा छोटा कर दिया एंड देखने में भी बहुत ज़्यादा कूल लग रही है। एंड बाय द वे, इसके अंदर हमें LED देखने को नहीं मिलता, हैलोजन ही देखने को मिल जाता है। एंड बाकी पीछे का लुक अगर आपको मैं एक बार दिखा दूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ये वाला बाइक। एंड ये वाला कलर भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड पीछे देख सकते हो इंडिकेटर, ये भी चेंजेस है पूरा। एंड यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे थोड़ा बहुत कार्बन फिनिश का ट्राई किया गया है, मतलब कार्बन तो नहीं है लेकिन उसका फिनिशिंग दिया गया है। एंड यहाँ पर भी कार्बन का स्टिकरिंग किया गया है थोड़ा बहुत। एंड यहाँ पे लिखा है RTR 160, यहाँ पे Apache एंड यहाँ पे TVS रेसिंग। एंड बाकी अगर हम इसकी इंजन की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 159.7 cc का इंजन। एंड इसका जो मैक्सिमम पावर है वो है 16.4 bhp का पावर हमें देखने को मिलता है। एंड इसका अगर टॉर्क की बात करें तो वो हमें देखने को मिलता है 13.85 न्यूटन मीटर का टॉर्क हमें देखने को मिल जाता है। एंड बाय द वे, ये वाला जो वेरियंट है ये है सिंगल चैनल ABS के साथ आता है विद डुअल डिस्क। आगे भी डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, लेकिन हमें फ्रंट व्हील में ही ABS देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये ABS रिंग का सेंसर भी है यहाँ पे। एंड एक बार मैं इसका आवाज़ आप लोगों को सुना देता हूँ, बाइक को एक बार न्यूट्रल कर लेते। तो चलो बाइक को करते एक बार स्टार्ट एंड इस एग्जॉस्ट का साउंड सुना देते। एंड यहाँ पे आप लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे शायद, देखो। एंड थोड़ा सा थ्रोटल देकर भी आप लोगों को मैं आवाज़ सुना देता हूँ इस बाइक का। एंड मीटर पे आप लोग देखना RPM कैसे ऊपर उठता है, ये देख सकते हो, देखने में बहुत ज़्यादा कूल लगता है। एंड पीछे एक बार आवाज़ सुनो आप लोग, बहुत ही ज़्यादा बेसी साउंड आ रहा है इसमें से। एंड आगे से लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आप लोग देख पा रहे होंगे जो इसका DRL का लुक है ना एकदम आईब्रो की जैसा लगता है एंड दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। एंड बाकी अगर हम इसके टायर सेक्शन की बात करें तो आगे का टायर जो है हमें 90 सेक्शन का देखने को मिल जाता है। एंड अगर पीछे की टायर की बात करें तो ये जो है हमें 110 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करती है। अभी मैं जो इस बाइक को एक बार थोड़ा सा चलाता हूँ, थोड़ा ड्राइव करके आप लोगों को बताता हूँ कि मुझे कैसा फील होता है। तो एक बार पहले बाइक में बैठते हैं। एंड बाइक में बैठने के बाद हमें यहाँ पे जो मिरर देखने को मिलता है, मिरर हमें बहुत ही अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है, आप लोग देख पा रहे होंगे शायद, ये देखो बहुत ही अच्छा व्यू प्रोवाइड कर रही है। इसमें हमें मोड भी देखने को मिलता है, देखो यहाँ पे मोड का बटन दिया हुआ है। एंड यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स मोड पे है ये फिलहाल, तो यहाँ पे हम क्लिक करके मोड चेंज कर सकते हैं। इसमें हमें तीन मोड्स देखने को मिलता है, एक है अर्बन मोड, एक है रेन मोड एंड एक है स्पोर्ट्स मोड। एंड मीटर पे हमें दिखा देता है, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे टाइम भी देखने को मिलता है, यहाँ पे टोटल रनिंग कितना हुआ वो भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ में यहाँ पे हमें रैप लिमिट भी देखने को मिल जाता है जो कि अगर हम 9000 RPM के ऊपर रैप करेंगे तो ये वाला लाइट जो है वो ब्लिंक होने लगता है। तो बाइक को हम थोड़ा सा अभी स्टार्ट करते हैं। तो बाइक यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। एंड वाइब्रेशन की बात करें तो ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है क्योंकि आप लोगों को पता ही है BS6 इंजन में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया है। तो थोड़ा सा अभी मैं बाइक को ड्राइव करता हूँ। ओ भाई, बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एंड इसका गियरिंग भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है। पोस्टर है वो सब तो आप लोगों को शायद पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है भाई। वैसे मुझे पहले वाला जो आपस ही आते थे ना उससे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है अभी फ़िलहाल ये। एंड
जैसे कि आप लोगों ने देखा इस पर हुईली भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाती है, तो मैंने एक हुईली मार के आप लोगों को अभी दिखा दिया। वैसे स्टंट मुझे ज़्यादा नहीं आता, बस एक दो हुईली मारना आता है, थोड़ा बहुत हुईली उठाना मुझे आता है, बट ज़्यादा नहीं आता, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, सीखेंगे एक दिन एंड बाकी एक बार वो ट्राई कर लेते हैं हुईली। चलो भाई, इसका कैमरा जो है वो भाई साहब, इसका कैमरा, मेरे हेलमेट का जो कैमरा है ना वो नीचे आ गया था। एंड बाकी बाइक बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है एंड पावर भी बहुत अच्छा डिलीवर कर रहा है यार, बहुत ही ज़्यादा पावर है इस बाइक में। तो बाकी ओवरऑल बाइक मैंने आप लोगों को दिखा दिया एंड ये वाला कलर स्कीम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड ये मैट फिनिश के साथ है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है एंड यहाँ पे पास लाइट भी देखने को मिल जाता है। कि अगर आपको इस बाइक के साथ 0 to 16, 0 to 100 देखना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका 0 to 16, 0 to 100 का वीडियो भी ला दूंगा बहुत जल्द। एंड अगर आपको इस बाइक के बारे में और कुछ भी डिटेल में जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं इसका वीडियो ज़रूर लाऊंगा। एंड बाकी आज का वीडियो यही था, आप लोगों को बताना था कि इस बाइक में क्या क्या चेंजेस हुआ है, बाकी और कुछ चेंजेस मुझे दिख नहीं रहा है। ये एकदम ब्रांड न्यू बाइक है, मेरे फ्रेंड का है, जस्ट कुछ ही दिन हुआ है इसको लाए हुए घर पर। एंड यार पीछे से देखो, ये वाला लाइट भी मुझे लगता है चेंज हो गया है, क्योंकि पहले वाले में ऐसा नहीं था, वो एकदम फुल जो है ना वो रेड होकर ब्लिंक करता था, लेकिन अभी ये देखो यहाँ पे डिज़ाइन बना दिया गया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है अभी। तो खैर आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं और कुछ बताने के लिए, तो आज का वीडियो यहाँ पर ही एंड कर देते हैं। बाय बाय, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।